जैसे कि बताया मैंने, एक काम के लिए जा रहा हूँ अभी, वहाँ से होके वापस आ। अभी तो गाइस सिग्नल हुआ, लेकिन हमने विदाउट सिग्नल निकल रहे हैं। जो बसंत राज जी ने शुरू किया था लेफ्ट लाइन, हमने उस लेफ्ट लाइन से हो गया फ्री, और अभी वापस निकले थे हम बहुप्लाजा वाली साइड से, और अभी पहुँचा रेलवे स्टेशन के। और गाइस देखो क्या बारिश का प्रोग्राम बना हुआ पूरा यार, कहना सीधे जाओ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाना सीधे चले जाओ। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे। और आज के दिन की हमारी शुरुआत घर से, और ये अभी घर से मसा गाड़ी स्टार्ट की है। और मॉर्निंग में गाइज इतनी बुरी हालत है ना गर्मी से, मतलब मेरे शर्ट पूरी गिल्ली हो गई है, और इतनी गुम है, मतलब कि समझ नहीं आ रही कि गर्मी ने कर क्या रखी है। सुबह बारिश हुई उस वजह से भी इतनी गर्मी ज़्यादा, और एक तो चेस्ट मेरी थोड़ी ख़राब है, उस वजह से मेरा गला आवाज़ वैसी निकल रही है, तो कोई नहीं वो ठीक हो जाएगी थोड़े दिन में। तो आप बताइए आप सब कैसे हैं, क्योंकि अभी वायरल चल रहा है उससे बच के रहें यार, अगर किसी को वायरल हो भी रहा है तो मेडिसिन टाइम पे ले लें। तो आज के दिन की करते हैं शुरुआत घर से ही, क्योंकि अभी निकल रहा हूँ, अभी जस्ट गाड़ी स्टार्ट ही किया, तो निकलते हैं फटाफट। तो मिलते हैं आपको शॉप पे पहुँच के, क्योंकि सेहत भी कुछ ऐसी है, साथ में शॉप पे भी दो तीन काम है वो भी ख़त्म करते हैं, साथ में फिर ड्यूटी जाना है 12 बजे की शिफ्ट में यार। 12 बजे की शिफ्ट ना थोड़ी सी ऑड रहती है, मतलब कि सुबह तो बंदा नींद, तो एक चीज़ होती है नींद पूरी कर सकता है, या तो नींद पूरी कर सकता है या फिर काम। तो नींद पूरी हो जाती है, लेकिन ऑफिस जाने का मन कुछ ऐसे ना डगमगा हो जाता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में ये रहता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में गए काम किया आगे वापस, लेकिन मॉर्निंग में नींद मारनी पड़ती है, बस ये ऑप्शन है। तो चलो निकलते हैं माता रानी जी का नाम लेके, जय माता दी। तो मिलते हैं आपको शॉप पे। निकल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मौसम कुछ ऐसे ही बन रहा है, गर्मी भी है और मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी छांव आ रही है, समझ नहीं आ रही, कभी बादल ही और है, बादल ही है, बारिश का तो प्रोग्राम है ही है, बादल भी तगड़े साहब के। अब देखते हैं क्या रहता है दिन में। तो अभी के लिए तो मैं निकल गया हूँ, और एक ट्रैफिक वालों ने बड़ा सताया होता है यार, पीछे ट्रैफिक वालों ने नाका लगाया, वो इतना खतरनाक वाला ना, मतलब कि चिड़ी को जैसे पर मारने देते ना वो भी नहीं मारने दे रहे, बाइकों वाले गाड़ियों वाले दूसरी साइड से निकल के जा रहे हैं। फिर हमारे तो डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता इनका कब रोक लें, किसको कब रोक लें, कुछ पता नहीं कह सकते। अभी कुछ ऐसी लोकेशन है, अभी बच्चों के स्कूल भी लग गए, मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत होती है। तो यही वही सेम कल वाली जगह जहाँ पे मैंने ब्लॉग में डाला है कि मस्त मौसम था। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको शॉप पे। तो गाइस आया था शॉप पे, तो चेस्ट में ना कुछ ख़राब ही लग रही है, तो अभी हो गया फ्री, अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि 11:30 होने वाले हैं, 11:30 होने को 5 मिनट अभी काम है, तो निकलता हूँ, क्योंकि मुझे एक रास्ते से काम है छोटा सा, वो ऑफिस के काम है, वो करके मुझे सीधा निकलना है ऑफिस, फिर ऑफिस से आज दो काम है मुझे बाहर जाना है, पहले जाते ही एक जगह जाना है फिर दूसरी जगह जाना है। तो देखते हैं क्या रहता है दिन की शुरुआत कैसी होती है। बाहर तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी बाहर देखने को भी मन नहीं कर रहा, गर्मी से बाहर जाने का भी मन नहीं करता, और मतलब पसीना इतना तगड़ा आता है। तो चलो निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में, क्योंकि क्या रहता है कुछ नहीं आइडिया आ जाते, अब क्या कर सकते हैं, जो दिन की शुरुआत है, दिन का आना जाना होता है, जो दिन में मेरी लाइफ में चल रहा है वो आपको पता चल जाता है कि क्या होता है। और गाइज मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि सेहत कैसी है, सेहत मेरी अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास है अभी, एकदम फिट हूँ। और कविता के लिए भी मैसेज आ रहे थे, मुझे DM कर रहे थे लोग, तो वो भी एकदम फिट है, मेडिसिन चल रही है, खा रही है, फिट है, अभी वो भी ड्यूटी पे गई हुई है, मैं भी हूँ। तो देखते हैं, उसकी तो शायद 4 बजे उसका ऑफ, 4:30 ऑफ हो जाना है, उसने आ जाना है, पर मेरी 9 बजे तक है। तो मिलते हैं, देखते हैं दिन में लंच टाइम पे उसको दिखाऊंगा आपको, मिलाऊंगा अभी, तो निकलते हैं अभी। अभी मैं तभी पुल क्रॉस किया, मैंने सोचा कि अभी कहीं बारिश नहीं है, गर्मी है, बारिश होने वाली है, और मुझे नहीं पता कि तवे के इस पुल के इस पार बारिश हो चुकी है, और वो भी अभी रिसेंटली हुई है, शायद ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है, अभी हुई है, और बारिश ही तगड़े साहब की हुई है, मतलब एकदम से। अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी हुई है, लेकिन अभी तक तो बारिश हुई है, अभी आगे जाके देखते हैं कि कितनी बारिश हुई है, वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन मौसम भी वैसा ही है, देख सकते हो, पता नहीं चलता यार कहाँ गर्मी है कहाँ बारिश है कहाँ क्या है, और इसी वजह से सारे लोग बीमार ही पड़े हुए हैं। मौसम इस बार तो कुछ अलग ही है यार,
कुछ नहीं कह सकते कि कब दिन में रात हो जाए और रात में बारिश हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे तो तगड़ी साहब की बारिश है, तभी फूल सारे गिर गए हुए हैं पेड़ों के, जो पत्ते हैं फूल हैं। तो चलो देखते हैं आगे कितनी बारिश हुई है। जैसे कि बताया मैंने, एक काम के लिए जा रहा हूँ अभी, वहाँ से होके वापस आते हैं तो फिर जाएंगे दूसरे काम के लिए। अंकल के साथ अभी चल दिए हम भी, तो चलो मिलते हैं आपको, काम ख़त्म करते हैं उसके बाद दिखते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इस एरिया में बारिश भी हुई है, लेकिन अभी दिख रहा है कि जैसे बारिश हुई नहीं है। अब भी हो गया सिग्नल, सिग्नल का वेट करके निकलेंगे। तो भाई सिग्नल हुआ, लेकिन हमने विदाउट सिग्नल निकल रहे हैं। जो बसंत राज जी ने शुरू किया था लेफ्ट लाइन, हमने उस लेफ्ट लाइन से अलग ले लिया। ये आ गया रेडिसन ब्लू जम्मू का होटल, 5 स्टार, शायद 5 स्टार है। अभी हम जा रहे हैं गांधीनगर। इस रोड पे जाम रहता ही रहता है यार, मतलब कि गाड़ी लाना इस एरिया में पाप है। स्कूटी बाइक ही बारह खा सकती है खाते हुए। यहाँ से मैक्सिमम ज़्यादा ट्रक ही दिखेंगे आपको, ट्रक निकलते हुए। कि आ गया नरवाल रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट, कहना सीधे जाओ रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जाना, सीधे चले जाओ। हो गया फ्री। और अभी वापस निकले थे हम बहू प्लाजा वाली साइड से, और अभी पहुंचा रेलवे स्टेशन के बाद। और गाइस देखो क्या बारिश का प्रोग्राम बना हुआ पूरा यार, मतलब जिस एरिया में हमने जाना है छन्नी वाले एरिया में, उसी एरिया में बनी हुई है और पूरा बारिश का तगड़ा प्रोग्राम बन गया। पता नहीं कितनी होती है कितनी नहीं होती, ये नहीं तो पता नहीं है, लेकिन बारिश का अच्छा खासा मूड बना हुआ है, देख सकते हो। अब वहाँ पर पहुँच के पता चलना है। और ये सामने आ गया रेलवे स्टेशन चौक, पूरा रेलवे आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ये कुछ झूला टाइप बनाया हुआ है, तो समझ हमें भी नहीं है कि क्या बनाया हुआ है। ये चला गया पनामा चौक की तरफ रास्ता, और ये रेलवे स्टेशन। हमने यू टर्न लेके, हमें भाई त्रिकुटा नगर निकलना है। रेलवे स्टेशन चौक देखो रश कितना है भाई, थोड़ा रश ही रश है। और ऑटो वालों ने भाई गंद डाल के रखा हुआ है पूरा यार, बंदों को पकड़ पकड़ के ले रहे हैं और इतना जाम लगाया हुआ है यहाँ पे। ओहो यहाँ पे सिग्नल हो गया, मतलब सिग्नल अब हर जगह लगने शुरू हो गए। तो चलो पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है प्रोग्राम बारिश का, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है मेरे हिसाब से। लंच करने के लिए देखते हैं, लंच करके क्या लाया आज, और सेहत कैसी है। फर्क है इनको तो फर्क है, लेकिन मुझे चेस्ट का फर्क नहीं है। तो चलो प्रेयर करते हैं लंच, फिर मेडिसिन भी खानी है, तो उसके बाद मुझे बाहर फिर से जाना है दोबारा। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। हमारे साथ सीन ऐसा हो गया कि चाबी रह गई थी घर पे, अभी चाबी मंगवाई है तो जनाब चाबी देने आए थे, अभी शॉप कर रहे हैं क्लोज क्योंकि लेट हो गए 10:15। हम मैंने सोचा चाबी मेरे पास है, दूसरा सोचता चाबी मेरे पास है, तो ये नहीं कि चाबी सीधा घर पे। तो ये जनाब अभी आया तो भाग क्यों रहा है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है कहीं। तो चलो निकलते हैं अभी घर के लिए, शॉप करते हैं क्लोज क्योंकि लेट हो गए 10:30 हो गए। और ये देखो ये आ गया मेरे पास, आ गई तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, ऊपर से ये आ गया पंगे करने। और क्या बोला तूने मम्मी को, क्या बोला दादी को बोला था, क्या बोला था, क्या नहीं बनाना। ये देखो ये इसने आकर ना रोज वो उठा लिया, कहता है ये चाचू तीसरे 3 दिन आता है, चौथे दिन नहीं आता घर पे। और ये ताई को बोल देता है, एक दिन इसने क्या किया कि इसने ताई को बोल दिया, क्या बोला था कि ये चाचू नहीं आ रहा है, वो पुरखू जा रहा है, तो अब खाना नहीं बनाना। तो ताई ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, आगे आया तो ये खाना, इसने बेवकूफ ने ना खाना नहीं बनवाया, तो ये बोल गया ऐसे। आप तब से ताई कहते हैं कि नहीं ये झूठ बोलता है रोज, आज भी इसने बोला कि ताई वो दादी वो नहीं आएगा खाना नहीं बनाना। इतना ही कमीना हो चुका है। ये देखो इसके पंगे। तो फिर मेरे से जब पढ़ने तो चलो गाइस ब्लॉग करते हैं एंड, इसने तो बात करनी नहीं। बाय बाय, गुड नाइट।